बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री जंगली निवासी भगवान की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। खिचिया गांव में दर्शन। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी निजात्मानंद जी भी अपने सतगुरु देव जी की आज्ञा अनुसार एक ही दिन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं दिन आपका शरीर काफी स्वास्थ्य अच्छा था। आपने उसी रूप में खा लिया और उसी रूप में उठा लिया, कुएं से जल भी पी लिया। रात्रि को पुजारी ने इस विचार से कोई कपड़ा अर्थात बिस्तर इत्यादि न दिया और कहीं से लेकर भाग ना जाए। स्वामी जी श्री महाराज जी के गुणवाद गाते हुए एक चटाई पर लेट गए। संसार में अपना विचार ही सज्जन और अपना विचार ही शत्रु होता है। लोहड़ी का दिन था, सर्दी काफी थी, किंतु स्वामी जी ने उसी अवस्था में रात्रि व्यतीत कर दी थी। दूसरे दिन माघ की संक्रांति थी। गांव वाले ने अपने नियम अनुसार गुरुदेव में आए और गुरुद्वार में आए थे, तो उन्होंने पता लगा कि कोई बाबा जी आए हैं। तब उन्होंने स्वामी जी से सत्संग करने के लिए प्रार्थना की थी। स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा के लेकर अपने प्रेम भरे वचनों से उनकी व्याख्या की, जिसे सुनकर वे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सत्संग की समाप्ति पर कुछ ऐसे प्रेमी दर्शन के लिए आए और पूछा, स्वामी जी आप रात्रि को कहाँ आए थे? आपको चरपाई और बिस्तर इत्यादि तो किसी भक्त ने दिया होगा। सर्दी काफी थी, आपने किसी पर निर्वाह किया होगा। हमें इस बात का बहुत दुख है, हम अभागा आपकी सेवा से वंचित रह गए। उन प्रेमियों की सहानुभूति भरे वचन सुनकर श्री स्वामी जी बोले, भाई तुम लोग अभागे नहीं हो सकते हो, आप सौभाग्यशाली हो जिनके लिए हम न जाने कहाँ से अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आए हैं। रही सर्दी लगने की बात, तो रात को सर्दी आई ही नहीं थी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ गर्मी है और कहीं तो नहीं है, वह लौट गई, क्योंकि सर्दी तो हमारे पास पहले से ही थी, इसलिए सर्दी ने सर्दी को क्या कहना था। स्वामी जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर वे सब लोग प्रेम रूप हो गए। तब वे लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाए और श्री गुरुदेव को अर्पण किया। साथ ही उन्होंने एक चरपाई और नए बिस्तर का भी प्रबंध किया था। स्वामी जी ने खाना देखा तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक चांदी के बड़े थाल में परोसे हुए थे। आप अपने मन को संबोधित करके कहने लगे, लो भाई यदि तू इन वस्तु का भूखा है तो मालिक ने भेज दिया है, किंतु मन तो कभी का न मालिक के चरणों में अर्पण हो चुका था। तब उसने कौन सा संकल्प उठाना था जिन्होंने सच्चे दिल से अपने मन इष्टदेव भगवान के चरण कमलों की भेंट कर दिया, तो उनको यह मन ही सताता नहीं है। स्वामी जी ने नियम अनुसार थोड़ा सा भोजन अलग निकाल कर खा लिया और शेष सब सामग्री वापस लौटा दी। जब स्वामी जी वहाँ से विदा होने लगे तो उन लोगों ने बड़े प्यार से कुछ धन और वस्त्र भेंट किए। स्वामी जी बोले, भाई हम तो जीवन भर पैसों को स्पर्श भी नहीं करने का प्रण रखा है और हम इन तीन वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते हैं, ये सब वस्तु लेकर हम क्या करेंगे। उन प्रेमी के बहुत विवश करने पर स्वामी जी ने अपने सिर पर सिर वाला तौलिया उनको दे दिया और उनसे एक तौलिया लेकर वहां से चल पड़े। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।